नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल, आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जहां आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को अपने इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का ये सेशन आपके लिए एसएससी, रेलवे, यूपीएससी तथा स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपके डेली करंट इश्यूज और आपकी नॉलेज को भी इंप्रूव करने में काफी ज्यादा आपकी मदद करेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सदाशिव राव पाटिल जी का हाल में ही 86 साल की उम्र में निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर क्रिकेट। सदाशिव राव पाटिल जी जिनका 86 साल की उम्र में हाल में निधन हुआ है वो क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदाशिव राव पाटिल जी का 15 सितंबर 2020 को कोल्हापुर में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 86 साल के थे। पाटिल ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और पाटिल ने 1952 से 64 के बीच महाराष्ट्र के लिए 36 प्रथम श्रेणी मैचों में 866 रन बनाने के अलावे 83 विकेट भी लिए थे। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी भी की हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल में ही कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर लियोनेल मेसी जो है यहाँ पर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर खिलाड़ी बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेसी जो है दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन चुके हैं। फोर्ब्स की जारी 2020 की लिस्ट में मेसी $126 मिलियन यानी 927.5 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर बने हुए हैं। उन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार सहित तमाम स्टार फुटबॉलरों को पीछे पछाड़ते हुए लगातार दूसरे वर्ष यह स्थान पक्का किया है। मेसी के बाद दूसरे नंबर पर यूनाइटेड के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और इस फुटबॉलर ने साल 2020 में $117 मिलियन यानी 861 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कमाई है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा ने संसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल में ही मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर 30%। यहाँ पर लोकसभा में सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल में ही यहाँ पर मंजूरी दे दी है। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि इस धनराशि का उपयोग COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा और यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर जी को जो यहाँ पर पेटीएम फर्स्ट गेम ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम ने एक बयान में कहा है कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के लिए बीच एक लोकप्रिय नाम है। वे देश में रोमांचक फैंटेसी खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि पेटीएम फर्स्ट गेम को लोगों के बीच अन्य खेल मसलन कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो यहाँ पर 16 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। साथ ही पहली बार ओजोन दिवस जो है साल 1995 में मनाया गया था। यह दिवस जनता के बारे में पर्यावरण के महत्व तथा सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में शिक्षित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, COVID-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो है 6 महीने के लिए। यहाँ पर 6 महीने के लिए जो है COVID-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को बढ़ा दिया गया है। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि COVID-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष 30 मार्च को 19 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था और यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्होंने COVID-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना सकता है और इस योजना में COVID-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल है।
अगला क्वेश्चन हमारा, किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन हमारा, चीन ने हाल में ही पित सागर में तैनात पोस्ट से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों तो इसका सही आंसर है यहाँ पर 9। चीन ने हाल में ही पित सागर में तैनात पोस्ट से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल में ही रूस में भारत और किस विदेश मंत्रियों के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पर चीन। यहाँ पर जो हाल में ही रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। साथ ही आप देख सकते हैं कि हाल में ही रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पर 16। 16 सदस्य समिति का जो यहाँ पर गठन किया गया है। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति की गठन की घोषणा की है। इस समिति में 16 सदस्य शामिल हैं। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष के एन दीक्षित हैं और यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन 12-4 साल पहले से वर्तमान करेगी। साथ में यह दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके इंटरफेस को भी अध्ययन करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।